चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है रीजंस फॉर लोअर वैक्यूम इन कंडेंसर को स्टार्ट करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, कंडेंसर में वैक्यूम ड्रॉप होने का क्या क्या रीजंस है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉइंग किया है। इस ड्रॉइंग को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी करेंगे कि क्या क्या वह पॉइंट है जिसके वजह से हमारा कंडेंसर में वैक्यूम ड्रॉप होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है यह क्या फ्रेंड्स, हमारा टरबाइन है। और फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि यहां से हमारा टरबाइन के अंदर स्टीम इन करता है और उसके बाद स्टीम इधर एक्सपेंड होने के बाद यहां से क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो एग्जॉस्ट होने के बाद कहां जाता है फ्रेंड्स, तो जाता है कंडेंसर में। तो फ्रेंड्स, यह जो आपको दिख रहा है यह क्या है, हमारा कंडेंसर है। फ्रेंड्स, सर्फेस कंडेंसर का फंक्शनिंग के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूं। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उस वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे कि सरफेस कंडेंसर का मेन फंक्शन क्या होता है, कि ये जो हम लोग का एग्जॉस्ट स्टीम है उसको क्या करेगा, कंडेंस करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग इस एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंस करते हैं इस सरफेस कंडेंसर के अंदर, तो वह क्या हो जाता है फ्रेंड्स, हमारा कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वाटर बन जाता है। और उस वाटर को फ्रेंड्स देखिए, कंडेंसर के नीचे जस्ट होता है हमारा हॉट वेल, यहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। और फ्रेंड्स, फिर से इस वाटर को हम लोग फर्दर यूज के लिए हम लोग एक पंप के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, यानी सीईपी पंप द्वारा हम लोग इसको डीएरेटर में भेज के फर्दर हम लोग इसको यूज में ले पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सरफेस कंडेंसर में हम लोग कंडेंस करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, सरफेस कंडेंसर के अंदर हमारा मल्टीपल ट्यूब्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर हमारा कूलिंग वाटर क्या होता है फ्रेंड्स, सर्कुलेट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉटम हाफ से हमारा कूलिंग वाटर इन करता है और टॉप हाफ से हमारा क्या होगा, कूलिंग वाटर इस ट्यूब के द्वारा हमारा बाहर की तरफ निकल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से हमारा कूलिंग वाटर इन करेगा और यहां से हमारा सर्कुलेट होकर के यहां से क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा आउटलेट होकर कहां चला जाता है, कूलिंग टावर में। और फिर से वहां पर वो वाटर जो है, एग्जॉस्ट वाटर जो वाटर जा रहा है उसको ठंडा करके फिर से हम लोग रीयूज करते हैं। इस ट्यूब के अंदर हमारा कूलिंग वाटर सर्कुलेट करता है और ट्यूब के आउटर में हमारा एग्जॉस्ट स्टीम रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का सरफेस कंडेंसर है वह क्लोज टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, जहां पर हमारा स्टीम और वाटर डायरेक्ट मिक्सअप नहीं होता है हीट एक्सचेंज करने के लिए। तो यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा कन्वेक्शन मेथड द्वारा हम लोग इस स्टीम का हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कूलिंग वाटर जो इन होगा कंडेंसर में, उसका टेम्परेचर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा लो होगा, लेकिन जैसे हमारा एग्जिट होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्यों होगा, क्योंकि इसका हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके वजह से ये जो हमारा कूलिंग वाटर जो आउटलेट होगा उसका टेम्परेचर हाईर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो हमारा एग्जॉस्ट स्टीम है वह कुछ अमाउंट में कंडेंस नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स नॉन कंडेंसिंग गैस। तो फ्रेंड्स, इस नॉन कंडेंसिंग गैस को हम लोग रिमूव करने के लिए यहां पे हम लोग लगाते हैं फ्रेंड्स किसी इजेक्टर सिस्टम या कोई हमारा वैक्यूम पंप, जिसके वजह से जैसे हम लोग नॉन कंडेंसिंग गैस को यहां पे रिमूव करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पे क्या होता है, हमारा पार्शियल वैक्यूम, यानी यहां का जो प्रेशर होगा फ्रेंड्स एटमोस्फेरिक प्रेशर से बिलो प्रेशर होगा, जिसको हम लोग वैक्यूम बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग वही आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या ऐसा कंडीशन होता है कि यहां पर जो हमारा नॉन कंडेंसिंग गैस है हम उसको अच्छे से रिमूव नहीं कर पाते हैं, या ज्यादा अमाउंट में यहां पर नॉन कंडेंसिंग गैस प्रोड्यूस होता है, तो क्या रीजन है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। अभी हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि वैक्यूम ड्रॉप होने का क्या क्या रीजन है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा रीजन होता है वह होता है फ्रेंड्स कि कंडेंसर का लोड इंक्रीज होना। यानी कि फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी हमारा कंडेंसर हो उसका एक डिजाइन वैल्यू होता है। जैसा कि फ्रेंड्स मान लीजिए, ये जो हम लोग का कंडेंसर है वह फ्रेंड्स, इसका डिजाइन वैल्यू मान लीजिए 135 टन पर आवर है। यानी कि फ्रेंड्स, एक घंटा के अंदर यह जो कंडेंसर है उसका कैपेसिटी है 135 टन स्टीम को कंडेंस करना। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंडेंसर में हम लोग 145 टन पर आवर स्टीम को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमारा क्या हो गया, 10 टन जो स्टीम है फ्रेंड्स एक घंटा के अंदर हमारा लार्ज अमाउंट में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहां पे जो कंडेंसर का कैपेसिटी है वह केवल 135 टन को कंडेंस करने का है, तो जो रिमेनिंग हमारा 10 टन होगा उसको कंडेंस नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे क्या होगा, ये जो स्टीम है वहां पे नॉन कंडेंसिंग गैस, यहां पे मतलब ये कंडेंस नहीं हो रहा था, यहां पे क्या हो गया फ्रेंड्स कि नॉन कंडेंसिंग गैस हो गया। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, कोई इजेक्टर या वैक्यूम पंप का यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका भी एक कैपेसिटी होता है कि इस डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको भी बनाया जाता है कि यह इतना अमाउंट में हमारा स्टीम को क्या करेगा या नॉन कंडेंसिंग गैस को क्या करेगा, खींच पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहां पे ज्यादा होगा तो यह भी नहीं खींच पाएगा, तो यहां पे क्या होगा, धीरे-धीरे हमारा नॉन कंडेंसिंग गैस का एक्युमुलेशन इंक्रीज होगा। यानी कि फ्रेंड्स, यहां पे जैसे हमारा नॉन कंडेंसिंग गैस का एक्युमुलेशन इंक्रीज होता है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होगा, यहां पे हमारा वैक्यूम डिक्रीज हो रहा है। फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट, यानी कि फ्रेंड्स मोर कंडेंसर लोड देन डिजाइन देन वैक्यूम विल बी ड्रॉप।
और फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है उसको समझिए। देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, यहां से हमारा कूलिंग वाटर सर्कुलेट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हमारा इस ट्यूब के अंदर कूलिंग वाटर का जो क्वांटिटी है अगर लेस क्वांटिटी होगा तो देखिए फ्रेंड्स कूलिंग वाटर का क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूं। अगर अभी तक वो अभी वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। यानी कि फ्रेंड्स इतना स्टीम को कंडेंस करने के लिए इस कंडेंसर के अंदर कितना क्वांटिटी में हमारा कूलिंग वाटर सर्कुलेट होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर हमारा क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर सेम होगा, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सेम आ रहा है, तो इतना स्टीम को क्या करेगा, इजीली कंडेंस कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर हमारा लोअर क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर इसके अंदर सर्कुलेट करेगा तो ये जो हम लोग का एग्जॉस्ट स्टीम है फ्रेंड्स उसको अच्छे से कंडेंस नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स अच्छे से कंडेंस नहीं होगा तो यहां पे क्या होगा, हमारा नॉन कंडेंसिंग गैस का एक्युमुलेशन बढ़ेगा, यानी हमारा वैक्यूम ड्रॉप करेगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस ट्यूब के अंदर जो हमारा कूलिंग वाटर सर्कुलेट कर रहा है अगर उसका प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो सर्कुलेशन का रेट है वह क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स स्लो होने की वजह से क्या होगा, ये जो हम लोग का स्टीम जो आ रहा है इस कंडेंसर के अंदर उसका पूरा हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो यहां पे क्या होगा, हमारा नॉन कंडेंसिंग गैस का एक्युमुलेशन इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा वैक्यूम ड्रॉप करेगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारा कूलिंग वाटर का प्रेशर अगर रिड्यूस होता है तो भी हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, वैक्यूम ड्रॉप करेगा। या फ्रेंड्स जो हम लोग का कूलिंग वाटर इन कर रहा है अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, यानी कि इनलेट टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज हो जाए, यानी कि फ्रेंड्स अगर हमारा एटमोस्फियर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो हम लोग का इनलेट टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स हायर वाटर जो है इन करेगा इस कंडेंसर के अंदर तो भी हमारा जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको अच्छे से कंडेंस नहीं कर पाएगा, तो भी हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वैक्यूम ड्रॉप करता है। तो ये हमारा एक पॉइंट है। और फ्रेंड्स एक और पॉइंट होता है कि ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग का ये जो हम लोग का ट्यूब्स है अगर ट्यूब के अंदर कहीं लीकेज हो जाए, अगर ट्यूब के अंदर कहीं लीकेज हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, जो हम लोग कूलिंग वाटर इसके अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं वह डायरेक्ट क्या होगा इस वाटर के अंदर मिक्सअप करेगा, लीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उस कंडीशन में भी फ्रेंड्स हमारा जो टोटल स्टीम है उसको अच्छे से कंडेंस नहीं कर पाएगा, यानी कंडेंसर ट्यूब लीकेज होने की वजह से भी हमारा एग्जॉस्ट स्टीम है वह अच्छे से कंडेंस नहीं हो पाता है, यानी यहां पर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, वैक्यूम ड्रॉप होगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो होता है फ्रेंड्स, अगर हमारा इस ट्यूब के अंदर कोई चॉकिंग हो जाए, यानी कि जैसे कि फ्रेंड्स हमारा कोई ट्यूब लीकेज हो गया उसको हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकली डमी कर देते हैं, इसको डमी कर देंगे, यानी इस ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, डमी, यानी अब इस ट्यूब के अंदर हमारा कूलिंग वाटर सर्कुलेट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या होगा, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे हम लोग डमी कर देंगे तो इसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स चॉकिंग में हमारा एक मैकेनिकल चॉकिंग होगा, जैसे कि हम लोगों ने डमी उमी कर दिया, या फ्रेंड्स एक होता है हमारा बायोलॉजिकल कोई भी इंप्योरिटी जाके मतलब इस ट्यूब के अंदर डिपोजिट हो जाना, जैसे कि फंगस वगस जो हम लोग का गंदगी है वाटर के अंदर जो इंप्योरिटीज है वह आके इस ट्यूब के अंदर अगर जम जाए तो भी इसका एरिया क्या हो जाता है फ्रेंड्स, रिड्यूस हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स उस कंडीशन में भी अगर चॉकिंग हो जा रहा है तो भी हमारा हीटिंग सरफेस एरिया रिड्यूस हो जा रहा है, यानी उस कंडीशन में भी जो हमारा एग्जॉस्ट स्टीम है उसको अच्छे से कंडेंस नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में भी हम लोग का जो वैक्यूम है फ्रेंड्स वह ड्रॉप करेगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस हॉट वेल में जो हमारा कंडेंसेट है अगर इसका लेवल क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा इंक्रीज हो जा रहा है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स इंक्रीज होकर के यहां तक आ जा रहा है, ठीक है, तो ये जो हम लोग का ट्यूब है फ्रेंड्स इस कंडेंसेट से क्या हो जाएगा, इमर्ज हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में क्या होगा, जो हम लोग का एग्जॉस्ट स्टीम है वह केवल इतना ही ट्यूब द्वारा क्या करेगा, हीट को एक्सचेंज करेगा, यानी इसका हीट ट्रांसफर एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में भी हमारा जो टोटल स्टीम जो है जो आ रहा है उसको अच्छे से कंडेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों का हीट ट्रांसफर एरिया भी यहां पे भी रिड्यूस हो जा रहा है। तो हॉट वेल लेवल बढ़ने से भी क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा वैक्यूम ड्रॉप होता है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में भी हॉट वेल लेवल पे हमारा ट्रिपिंग दिया रहता है टर्बाइन पे, जैसे हमारा हॉट वेल लेवल बढ़ेगा तो हमारा टर्बाइन क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स अगर हमारा हॉट वेल लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा वैक्यूम ड्रॉप होता है, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग इधर के लिए कुछ कारण स्टडी कर लिए, जिसमें हम लोग देखे फ्रेंड्स कि अगर हम लोग का हॉट वेल लेवल इंक्रीज हो रहा है तो भी हमारा वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है, या फ्रेंड्स इस कंडेंसर में हम लोग एग्जॉस्ट स्टीम डिजाइन वैल्यू से ज्यादा दे रहे हैं तो भी हमारा वैक्यूम ड्रॉप कर रहा है, या फ्रेंड्स जो हम लोग का सर्कुलेटिंग वाटर का इनलेट प्रेशर है अगर वह रिड्यूस हो रहा है तो भी हमारा वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है, या फ्रेंड्स जो हमारा इनलेट वाटर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी हमारा वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है, या फ्रेंड्स हमारा ट्यूब कोई जाम है या चॉकिंग है, या फ्रेंड्स हम लोग इसको कोई डमी कर दिए तो भी हमारा क्या होगा, वैक्यूम ड्रॉप कर रहा है, या फ्रेंड्स हमारा ट्यूब लीकेज है तो भी हमारा वैक्यूम ड्रॉप करता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं इधर क्या प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से हमारा यहां पे वैक्यूम ड्रॉप होगा। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला जो होता है कि ये जो हम लोग का यहां पे ग्लैंड सीलिंग देते हैं, तो ग्लैंड सीलिंग का पर्पस के लिए भी मैं वीडियो अपलोड किया हूं, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स उस वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे कि मेन फंक्शन क्या होता है ग्लैंड सीलिंग का। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि इधर क्या है फ्रेंड्स, हमारा हाई प्रेशर का स्टीम रहता है और इधर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा लो प्रेशर
प्रेशर होता है। तो फ्रेंड्स हमारा पॉसिबिलिटी होता है कि हाई प्रेशर का स्टीम क्या होगा, इधर हमारा बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाता है हाईर प्रेशर होने की वजह से। इधर क्या है हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर, लोअर प्रेशर है, तो कभी भी हमारा हाई प्रेशर लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। तो फ्रेंड्स हाई प्रेशर का स्टीम हमारा बाहर की तरफ न निकले, या फ्रेंड्स इधर हमारा लो प्रेशर है और एटमोस्फेरिक प्रेशर इधर क्या है फ्रेंड्स हमारा हाईर है, तो हाईर प्रेशर कभी भी लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो इधर हमारा क्या होगा एयर इंग्रेस करेगा। फ्रेंड्स हमारा एग्जॉस्ट साइड में इस ग्लैंड से एयर का इंग्रेस ना हो, या फ्रेंड्स हाई प्रेशर साइड में इस ग्लैंड से हमारा स्टीम जो है बाहर की तरफ एग्जिट ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहां पे स्टीम का प्रेशर देते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स ग्लैंड सीलिंग। तो देखिए फ्रेंड्स इस ग्लैंड सीलिंग का एक डिजायर्ड प्रेशर होता है, अगर वह प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स यहां से हमारा एयर क्या होगा इंग्रेस होने लगता है, और फ्रेंड्स इधर से हमारा हाई प्रेशर जोन से हमारा स्टीम जो है एग्जिट होने लगता है, या फ्रेंड्स हमारा स्टीम का सप्लाई कट हो जाए, कोई वाल्व में प्रॉब्लम आ जाए, हमारा सप्लाई कट हो जाए, वाल्व बंद हो जाए, तो भी हमारा क्या होता है एयर इंग्रेस होने लगता है। तो फ्रेंड्स एयर यहां पे इंग्रेस होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स एयर इंग्रेस मतलब कि नॉन कंडेंसिंग गैस का एक्युमुलेशन यहां पे इंक्रीज हो रहा है, यानी यहां पे हमारा वैक्यूम ड्रॉप करेगा। तो पहला प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि हमारा जो सीलिंग है ग्लैंड सीलिंग है उसका प्रेशर कम हो जाए, या फ्रेंड्स इसका सप्लाई कट हो जाए, तो भी हमारा क्या होगा वैक्यूम ड्रॉप करता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी कारण की वजह से अगर हमारा एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उस कंडीशन में भी हमारा वैक्यूम ड्रॉप होता है। तो फ्रेंड्स यह जो एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर चाहे हमारा टर्बाइन का लो लोड होने की वजह से बढ़े, या फ्रेंड्स इस ब्लेड पर हमारा डिपोजिशन होने की वजह से स्टीम का टेम्परेचर बढ़े, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब भी अगर हम लोग का एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स वैक्यूम ड्रॉप करेगा। तो कैसे होता है फ्रेंड्स कि देखिए हम लोग का जो क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर जो सर्कुलेट कर रहा है वह सेम अमाउंट में सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग इनपुट हीट जो है वह क्या है हमारा इंक्रीज हो जा रहा है। पहले मान लीजिए 50 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन अभी हमारा 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इस कंडेंसर के अंदर इन कर रहा है, तो 10 डिग्री सेल्सियस हमारा जो हीट है वह क्या होता है लार्ज अमाउंट में इस कंडेंसर में आ रहा है, यानी इनपुट हीट टू द कंडेंसर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर हमारा सेम सर्कुलेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस ट्यूब में जो हमारा कूलिंग वाटर सर्कुलेट कर रहा है इसका क्वांटिटी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां पर हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम का टेंपरेचर बढ़ने की वजह से इनपुट हीट क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह टोटल इनपुट हीट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से यहां पे नॉन कंडेंसिंग गैस का एक्युमुलेशन इंक्रीज होगा, यानी यहां पे भी हमारा वैक्यूम ड्रॉप करेगा। तो फ्रेंड्स एग्जॉस्ट सिस्टम टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी हमारा क्या होता है वैक्यूम ड्रॉप करता है। तो फ्रेंड्स इधर का कुछ प्रॉब्लम हमारा ये हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे कि इस इजेक्टर की वजह से हमारा क्या प्रॉब्लम आ सकता है वैक्यूम के ऊपर। फ्रेंड्स इजेक्टर का फंक्शनिंग के लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूं, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स उस वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे। तो देखिए फ्रेंड्स यह क्या हमारा पूरा इजेक्टर सिस्टम है, जिसमें फ्रेंड्स यह जो आपको रेड कलर वाला दिख रहा है वो क्या है हमारा नोजल है, और इस नोजल से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स स्टीम जो है एक डिजायर्ड प्रेशर टेम्परेचर पे हम लोग पास करवाते हैं। तो जैसे हमारा स्टीम इस नोजल से निकलता है तो हाई वेलोसिटी से निकलता है, तो फ्रेंड्स जैसे यहां से हायर वेलोसिटी से स्टीम निकलेगा तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स लो प्रेशर क्रिएट होगा। ये हाई वेलोसिटी से जैसे निकलेगा तो यहां पे लो प्रेशर, जिसके वजह से ये नॉन कंडेंसिंग गैस यहां से हमारा इसके साथ निकलेगा और फिर यहां से हमारा चला जाता है सरफेस, इसका भी एक कंडेंसर होता है तो इजेक्टर कंडेंसर में चला जाता है। तो फ्रेंड्स जो हम लोग स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर दे रहे हैं, अगर इसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाए तो फ्रेंड्स यहां पे उतना हायर वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसके वजह से नॉन कंडेंसिंग गैस कम खींचता है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग का इसका टेम्परेचर प्रेशर अगर रिड्यूस हो जाए तो भी हमारा यहां पे वैक्यूम ड्रॉप हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस चीज को भी हम लोग को देखना है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्टीम हमारा यहां से इनपुट हो रहा है इजेक्टर में, जो हमारा स्टीम यहां पे इन हो रहा है, अगर इसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो भी क्या होगा फ्रेंड्स यहां पे हमारा वैक्यूम ड्रॉप होने का पॉसिबिलिटी होता है। यानी कि फ्रेंड्स मान लीजिए इस स्टीम जो हम लोग इनपुट करवाने उसके अंदर कुछ साल्ट हो, या फ्रेंड्स हमारा सिलिका का कैरी ओवर हो, तो उस कंडीशन में यह जो साल्ट या सिलिका क्या होगा फ्रेंड्स यहां पर हमारा इस नोजल में क्या होगा डिपोजिशन होगा, जिसके वजह से इसका एरिया कम करेगा, तो फ्रेंड्स हम लोग का डिजायर्ड वेलोसिटी नहीं मिलेगा, जिसके वजह से नॉन कंडेंसिंग गैस को खींच नहीं पाएगा। या फ्रेंड्स दूसरा कंडीशन होता है कि अगर हमारा इस स्टीम के अंदर कोई भी अब्रेसिव पार्टिकल प्रेजेंट हो और जैसे ही इस नोजल से निकलेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स अब्रेसिव पार्टिकल होने की वजह से इस नोजल के माउथ को क्या करेगा फ्रेंड्स इरोड कर देगा, यानी घिस देगा, जिसके वजह से उसका माउथ क्या हो जाएगा एनलार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितना हमारा प्रेशर ड्रॉप करना चाहिए उतना ड्रॉप नहीं करेगा, यानी प्रेशर ड्रॉप नहीं करेगा तो हम लोग का डिजायर्ड वेलोसिटी नहीं मिलेगा, जिसके वजह से ये नॉन कंडेंसिंग गैस को उतना खींच नहीं पाएगा। तो यानी कि फ्रेंड्स कोई भी अगर हमारा इस नोजल के अंदर कोई भी
प्रॉब्लम हो या बर्नआउट हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग का जो वैक्यूम है उतना डिजायर्ड वैक्यूम मेंटेन नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग का वैक्यूम ड्रॉप कर रहा है तो ऐसे ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारा नोजल में कोई फॉल्ट आ गया हो, जिसके वजह से हमारा वैक्यूम जो है बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। या फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का एयर लाइन है इसमें कहीं से हमारा लीकेज हो जाए, यानी एयर कहीं से भी इंग्रेस हो रहा है इस सिस्टम में, वैक्यूम सिस्टम में, तो भी क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा वैक्यूम ड्रॉप करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लीकेज होने की वजह से हमारा इस लाइन में कहीं हो सकता है, या जो हम लोग का सीपी सक्शन होता है वहां पे भी हो सकता है, या फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी किए थे कि यहाँ पे क्या लगा रहता है फ्रेंड्स, हमारा वैक्यूम ब्रेकर लगा रहता है। तो अगर वैक्यूम ब्रेकर वाल में अगर हम लोग का कहीं से भी एयर इंग्रेस हो रहा है तो भी फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा यहाँ पे वैक्यूम ड्रॉप करेगा। तो फ्रेंड्स, यह कुछ पॉइंट है जिसके वजह से हमारा कंडेंसर में वैक्यूम ड्रॉप करता है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।